साहब क्या ही स्पीड है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमे जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऑडी ई ट्रॉन जीटी कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद XC4 DLC पैक्स, उसके बाद XC4 फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ वो CNET ROYN GT18 का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक शेयर किया वो फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स OCNET ROYN GT18 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, अपडेट डॉट RPF कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, मैं आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, वो CNET और वो NGT। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो ऑडी ई-ट्रॉन कार आ गई है। ये हम देख सकते हो। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक है कार। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। यहाँ आपको ऑडी का लोगो मिल जाएगा, ई-ट्रॉन की बैजिंग। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो कार आ गई है। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
हम देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसका कोई साउंड ही आपको सुनाई नहीं देगा। ये हम देख सकते हो ये कार अब स्टार्ट है। ओ भाई साहब, क्या ही लुक है कार का। इसके हेडलाइट्स, मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। हम देख सकते हो इसके ग्रिल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्या आप देख सकते हो और इसके रूफ को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये हम देख सकते हो और इसमें आपको एक्स्ट्रास भी मिल जाएंगे। ये हम देख सकते हो चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। ये हम देख सकते हो मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। ये हम देख सकते हो चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नाइट का लुक देख लेते हैं। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो इस कार का नाइट का लुक। इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। चलो अब हम इस कार की टॉप स्पीड को देख लेते हैं। ओ भाई साहब, क्या ही स्पीड है। 200, 220, 230, 240, ब्रेक्स, ओहो ब्रेक्स भी मस्त है इस कार के। ओ भाई साहब, क्या ही स्पीड है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।